सबसे पहले मेरा नाम जॉन है, जैसे दीदी ने बताया, और सबको भी तरफ से जय मसीह की। हमें पता था हमें यहाँ पे आना है, हमें पता था लोग भी होंगे, पर ये नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा, कि इतने सारे लोग होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए तालियां बजाते हैं। दूसरी बात, मैं भी मणिपुर से ही हूँ, और मेरी हिंदी इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा बड़ा, मेरा कॉलेज स्कूल सब यहीं पे हुआ, इसलिए मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है। और सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे पास्टर हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे चर्च के लोग हैं, पर मैं तुम लोगों को नहीं जानता। आज मैं पहली बार मिला हूँ, पर हमेशा एक बात रखना, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, पर परमेश्वर तुम्हें जानता है। आपस में एक दूसरे को, अपने पड़ोसी को देखो और बोलो, तुम्हें परमेश्वर जानता है, अपने एक दूसरे को देखो और बोलो, तुम्हें परमेश्वर यीशु मसीह जानता है। आप बड़े लोग भी एक दूसरे को बोल सकते हैं, बोलो बोलो बोलो। हम लोग मनुष्य अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, गलतियां भी होती है, प्यार भी मिलता है, कभी कभी एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, पर यह कि आज हम सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं, जैसे कि मैंने बोला, हम एक दूसरे को जानते नहीं, अगर हम यहाँ नहीं आते तो आपको मेरा नाम नहीं पता चलता, आपको हमारे चर्च के बारे में, लोगों के बारे में पता नहीं चलता। बस यही है, परमेश्वर ने हमें जो बोला है, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के लिए जियो, और एक दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताओ। तो आज जो हम यहाँ पे आए हैं, वो सिर्फ परमेश्वर का कहना मानते आए हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और मैं उसने मुझे बनाया है, और तुम्हें भी उसी ने बनाया है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं तुमसे मिलने के लिए। और जो रीज़न है आज का, सब किसको पता है कि क्रिसमस कौन सी तारीख को आता है? 25। क्या हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? बर्थडे तो मेरा भी हुआ था, ऐसे कभी कोई नहीं मनाता है? अभी यहाँ पे तो सब कुछ घर छोड़ के ये काम ही तो कर रहा हूँ परमेश्वर का। और बताओ तुम्हारा नाम, नाम नाम जिग्नेश, ऋषिकेश, श्रीकेश, श्रीकेश, आई लव यू, आमेन। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग इंसान हैं, हम लोग पैदा होते हैं, गलती करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे प्यार भी करते हैं। क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं, हम सब ने पाप किया है, किसी ने तो किया ही किया है पाप। पाप होता क्या है? किसी का खून करना, किसी को दुख पहुंचाना, दूसरों का पैसा चुराना, पाप का बहुत सब चीज़ें पाप करने के लिए। इवन तुम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो भी पाप है, अगर उनके माँ बाप को तुम ठेस पहुँचाते हो, और अगर माँ बाप भी बच्चे को ठेस पहुँचाते हैं, बच्चे को नहीं समझ पाते, तो वो भी पाप है। तो इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, पाप पाप होता है। 1 रुपये की चोरी, 1 लाख की चोरी, चोरी चोरी होती है, ठीक है। परमेश्वर, हम 25 सितंबर की दिसंबर क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम सब मरने के बाद जन्नत जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो पाप लेके कैसे जाओगे? क्योंकि जो तुम्हारा पिता परमेश्वर है, वो एकदम साफ 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 है, जरा सा भी दाग वो उसके पास नहीं जा सकता। तो हम सब ने पाप किया है, तो उसके लिए क्या होगा? हम कुछ भी करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, मतलब स्वर्ग हमारे लिए है ही नहीं। तो मरने के बाद क्या होगा हमारा? तुम कुछ भी कर लो, अपना पाप धो नहीं सकते और परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। इसीलिए पिता परमेश्वर ने
अपने एक ही बेटे यीशु को 25 दिसंबर के दिन इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसकी तरह जी सके जो वो हमें बोलते हैं, एक दूसरे से प्यार करो। मैंने तुमसे कोई गलती करी, मैं दिल में ना रखी तुम्हें माफ करूं, ताकि कल को मैं अगर कोई गलती करता हूं किसी के साथ तो वो मुझे माफ करे। और जब हम एक दूसरे को माफ करेंगे, जब तुम्हारी गलती जो तुम लोगों ने गलती करी, जो हम लोगों ने गलती करी, जब हम मरेंगे, जब स्वर्ग में हमारा जब निर्णय होगा, उस समय परमेश्वर हमें यही चीज देके माफ करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है कि हाँ, तू दुनिया में मेरे लिए आया, तू दुनिया में मेरे लिए मरा, और तूने मेरे मरने को अपने क्रूस पे, हमारे पापों को खत्म किया। इसलिए सबसे अच्छी खबर यह है कि हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, ठीक है। हमें यीशु मसीह को मानना पड़ेगा, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के लिए सोचो, ठीक है। तो क्रिसमस हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर इंसान के रूप में यीशु मसीह आए और वो हमारे लिए मरे और हमारे पापों के लिए। कुछ भी करो, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, नहाते वक्त, स्कूल जाते वक्त, मम्मी पापा एक दूसरे से बात करते, दिल में हमेशा बात रहा कि परमेश्वर आया था और हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा। आमेन। God is good all the time. All the time. God is good. वो ये सभी लोग ये ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, सब लोग बोलते, पीछे लोग मुर्दे जैसे खड़ी हो रहे हैं। एक बार चलो यार। God is good all the time. God is good ना? All the time, okay? All the time. God is good. हाँ, God is good all the time. All the time. God is good. Okay. Okay, the light is on. Light on, yeah, I see it.